रेडी हैं रॉक करने के लिए कैंपिंग में। कि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे जहाँ से देवमाली का रास्ता और हम इससे आगे निकल गए थे। शानदार नजारा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं जयंत यादव आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल जयंत एक्सप्लोरर में स्वागत करता हूं। आज बस्तर दशहरे के वीडियो के बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया, उसके बाद आज एक नया ब्लॉग हम बनाने जा रहे हैं और मैं आज जा रहा हूं एक कैंपिंग करने के लिए और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी जा रहे हैं, दो लोग। अभी हम तीन लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए और कैंपिंग का आप टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वीडियो में बने रहें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा कि हम कैंपिंग कैसे करते हैं आपको दिखाता हूं मैं देवमाली के टॉप हिल्स पे और कितना एंजॉय करते हैं। और आप सभी इस वीडियो में बने रहें, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें और वीडियो पे बने रहें। हम इस पे जा रहे हैं, तीन लोग, अपना पूरा सामान रेडी हो गया है। गाड़ी में आपको मैं दिखाता हूँ, आज हम XUV में जा रहे हैं, हमारा पूरा लगेज यहाँ पर सेट हो गया है और हमारे भाई लोग भी रेडी हैं रॉक करने के लिए कैंपिंग में। आग लगा देंगे पूरे देवमाली को, आग लगा देंगे बोलते हैं। अब जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं और अभी ऑलमोस्ट 5:12 हो गए हैं शाम के और हमको पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे के आसपास लग सकता है क्योंकि जगदलपुर से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। जो अभी तक से एक बार भी अगर देवमाली नहीं गया है तो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, कैसे कैंपिंग लगाया जाएगा वहाँ पे, क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं अवेलेबल है, पूरा डिटेल आपको देता हूँ मैं, तो बने रहें इस वीडियो में। और आपने अभी तक हमारा बस्तर दशहरा का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई लिंक में आपको मिल जाएगा डिटेल और डिस्क्रिप्शन में भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से जाके देखना कि बस्तर का जो संस्कृति और बस्तर का दशहरा कितना खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है तो एक बार ज़रूर देखना। और इस वीडियो में बने रहें, अभी आपको लेके चलते हैं देवमाली के टॉप हिल्स पे। आप कैसा लग रहा है आपको बहुत दिनों बाद ऐसा प्लानिंग बनने के बाद आखिरकार हम जाने वाले हैं, जा रहे हैं, निकल गए हैं? ये तो मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई, तो क्या है थोड़ा एक्साइटमेंट है, देखते हैं। लेकिन कैंपिंग आपने पहले भी कर चुका है? कैंपिंग पहले कर चुका हूँ लेकिन उस तरीके से नहीं किया ना। हाँ। अभी तो अभी अभी हिल स्टेशन पे अपन जा रहे हैं जहाँ पे लोग जाने के लिए काफी प्लानिंग करते हैं, करते और कैंसल भी हो जाता है ऑलमोस्ट। हमारा भी 2-3 बार कैंसिल होने के बाद ये प्लान बना है, तो आई होप कि बढ़िया रहे, अच्छे से हमारा कैंपिंग हो जाए और मचाते हैं दोस्तों, बने रहो। निकल गए हैं जगदलपुर से और ऑलमोस्ट हमको निकलते निकलते 6 बज गया है, 1 घंटा हमको पूरा सिटी में लगा। और ये जगदलपुर से जयपुर वाला हाईवे है जो सीधा उड़ीसा जाता है और यहाँ से उड़ीसा लगभग जो बॉर्डर है 15-20 किलोमीटर दूरी पे है, तो इसी रास्ते में हमको आगे चलना है। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर को और इसके बाद हम एंट्री लेंगे उड़ीसा में और यहाँ से देवमाली दूर नहीं है, तो फाइनली हम अभी देवमाली के लिए अपना राज्य छोड़ चुके हैं और पड़ोसी राज्य में एंटर करने वाले हैं। ये उसका चेक पोस्ट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम टू उड़ीसा। जयपुर सिटी का तो भी हम कहीं देखेंगे चाय पानी का व्यवस्था, कहीं पे चाय वगैरह पी लेते हैं। पहुंच गए हैं जयपुर सिटी और यहाँ पे अभी हम कुछ खाएंगे हल्का सा स्नैक्स टाइप से, उसके बाद यहाँ से हम आगे देवमाली के लिए निकलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमको 1-2 घंटा और लगेगा, फिर वहाँ पे सेटअप वेटअप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो भूख भी लग रहा है, तो अभी कुछ खाते हैं और उसके बाद आगे यहाँ से निकलते हैं। चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं काफ़ी देर के बाद, टी ब्रेक लिए हैं अभी। बहुत देर के बाद हमको अच्छा सा एक चाय मिला है और ये हमारा पहला ब्रेक है, तो
थोड़ा बहुत हम कुछ खा भी ले, और अभी हम चाय भी पी रहे हैं और इसके बाद सीधा निकलेंगे। और हमारे फ्रिक देखो, जहाँ इनको मीठा मिला टूट पड़े। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और रोज सुबह उठ के जिम जाते हैं फैट कम करने के लिए, और फैट इस तरीके से खाते हैं। बॉडी वार्मर पहन लिया हूँ और अभी हल्का ठंडी से भी बच जाएंगे। बाकी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कितना ज़्यादा ठंड रहता है, अगर ज़्यादा ठंड होगा वहाँ भी। जैसा कि मैं अभी वेदर में चेक किया था, अच्छा खासा वहाँ ठंडी है, तो अपने पास है गर्म कर कपड़ा और जैकेट वगैरह, तो वो सब भी पहन लेंगे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ से निकलते हैं। ठंडी लग रहा है ये दोस्त? अपन भाई स्टील बॉडी अभी कुछ तैयारी नहीं की है, ये बोल रहे हैं कि देवमाली मैं देखूंगा कि कितना ठंडी मुझे लग सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो जाने से पहले सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं दोस्त, और निकलते हैं देवमाली के लिए। ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर और बचा है। से आप ये जो राइट साइड देख रहे हैं, यहाँ से कोलाब डैम जाया जाता है। और हम आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, कोलाब डैम का भी हमने वीडियो बनाया है। और अभी हमको सीधे जाना है इस रोड में जो विजयनगरम वाला हाईवे है। ये अभी हम हैं कोरापुट सिटी में, यहाँ से आगे अभी हमको सिमलीगुड़ा मिलेगा, फिर उसके बाद हमको लेफ्ट लेना है सिमलीगुड़ा से होते हुए आगे निकल के। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो रास्ता कहाँ से हमको लेफ्ट लेना है देवमाली के लिए। ये है कोरापुट चौक, और कोरापुट चौक से हमको राइट लेना है, क्योंकि अगर हम वहाँ लेफ्ट लेते तो नवरंगपुर वाला रास्ता था वो। पूना बेड़ा पार करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं कुंडली करके जगह, और यहाँ से हमको अभी लेफ्ट लेना है देवमाली के लिए। देवमाली वाला चौक है जहाँ से हमको लेफ्ट लेना है, नाम है कुंडली। और यहाँ से सिंगल रास्ता स्टार्ट होता है जो पूरा पहाड़ों तक हमको लेके जाएगा, हमारा है फेमस माउंटेन देवमाली तक। और यहाँ से देवमाली माउंटेन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और इधर का रास्ता पूरा सिंगल रोड है, पहाड़ों से, पहाड़ों के आजू बाजू से होते हुए जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अभी नाइट का समय है तो आपको व्यू तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डिटेल जरूर बताता रहूँगा कि कहाँ से कैसे जाना है इन फ्यूचर। अगर आप में से अगर कोई नहीं आया है और आना चाहता है तो देख सकता है, इस वीडियो के थ्रू पहुँच सकते हैं देवमाली माउंटेन। रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं रास्ते में, सब अपने घरों में हैं, एकदम सुनसान ऐसा लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? देवमाली के लिए रास्ता ये है ना? ठीक है ना, कितना होगा? और 19 किलोमीटर। थैंक यू भाई। लोग देख रहे हो नाइट कैंपिंग करने, इन लोग भी जा रहे हैं बाइक में। अभी हम ना रास्ता भूल गए थे, एक्चुअल में वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं था, तो हम आगे निकल गए थे थोड़ा सा। और आगे हमारे जितने भी बाइकर्स भाई लोग दिख रहे हैं, ये लोग सब जगदलपुर वाले हैं, तो इन लोग भी रास्ता भटक गए थे, तो वापस अभी आ रहे हैं हम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, जहाँ से हमको देवमाली के जो हिल टॉप है वहाँ जाना था, उसको छोड़ के हम आगे निकल गए। आगे हम 3-4 किलोमीटर दूर आए हैं, तो अभी कुछ भाई लोग मिले, जैसे कि मैं आपको बताया कि उन लोग भी रास्ता भटक गए थे, तभी उन लोग वापस चले गए, हम भी जा रहे हैं वापस। लेकिन हमारा एक साथी विनोद भाई अभी थोड़ा सा वॉमिटिंग होने को उनको फील हो रहा है, तो बाहर गए वो। यही है असली मजा पहाड़ों का। तो हमें तो काफी मजा आ रहा है, लेकिन भाई का थोड़ा सा हालत खराब रहा। पीछे दिखाओ, आर यू ओके मैन, कैसा लग रहा है आपको? तो ये है देवमाली का रास्ता, और हम इससे आगे निकल गए थे, तो अभी चलते हैं आगे। उठाना पड़ेगा। वेट वेट, आ रहे आ रहे। हमारे भाई लोग गिर गए हैं, तो अभी अट्टम जा रहा है उनके हेल्प करने के लिए, गाड़ी उठाने के लिए। उनका एकदम टर्निंग भी बहुत शार्प टर्न था, आपको शायद ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गाड़ी यहाँ पे गिर गया है बाइक।
गाड़ी गिर गया था कुछ लोग कुछ भाई का, और अभी अट्टम गया हुआ था हमारा दोस्त उनको हेल्प करने के लिए, गाड़ी उठवाया और बढ़िया काम किया दोस्त, वेल डन। मोस्ट अभी हम पहुंच गए हैं देवमाली, और यहाँ पे एक चेक पोस्ट बनाया गया है। पहले ये चेक पोस्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी शायद पॉपुलर हो गया है प्लेस, तो इस कारण से चेक पोस्ट बनाया गया है और यहाँ पे टिकट भी लिया जा रहा है। तो अभी अट्टम गया है टिकट लेने के लिए, देखते हैं कितना रुपए टिकट लेते हैं और आप सभी को दिखाता हूँ मैं। लेकिन अभी नाइट में ऑलमोस्ट 10 बजने को है, 9:45 हो रहा है अभी, और टिकट का क्या सीन है नहीं पता हमको भी, अट्टम आएगा फिर बताएगा, फिर आपको डिटेल देता हूँ। दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं देवमाली हिल टॉप पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो आपने देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे। और अभी 10 बज गया है, 10:10 है, और अभी हम कैंप के लिए साइट ढूंढेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कैंपिंग सेट करेंगे पूरा कैंप, और फिर आग वाग जलाने का पूरा सिस्टम देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद।